हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, पॉजिटिव हो रहे होंगे। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज का टॉपिक है एक्स या नेक्स्ट, यानी कि आप लोग जो सेपरेशन फेस का सामना कर रहे हो, जो आपके रिश्ते में काफ़ी खटास चल रही है, रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में किसका प्यार आने वाला है, एक्स का या नेक्स्ट का। जब आपकी ज़िंदगी में कोई और प्यार लेके आने वाला नया ऐसा है जो सब कुछ आपको बुला देगा, या आपकी पास्ट की चीज़ें ही लौट कर फिर आएंगी। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी चाहे रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको क्लैरिटी और साथ में एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो आपके हित के लिए है, बहुत ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। पुरानी चीज़ें लौट के आएंगी या कोई नया इंसान ऐसा आएगा जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देगा, प्यार भर देगा। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए आज कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। तो चलिए देखिए आपकी आपके लिए क्या कार्ड है डिवाइन टैरो आज। कैसे लीजिए, द टावर का कार्ड है। किंग ऑफ द टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। मेजर अरकाना द वर्ल्ड का लास्ट कार्ड, मेजर अरकाना। द लवर का कनेक्शन। जी गाइस, मजा आ गया इस कार्ड के लिए, तो जयमा टैरो जरूर लिखना। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, फाइव ऑफ सोर्ड्स। चालाकियां बहुत की है इन्होंने। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्स या नेक्स्ट। बॉटम में आया पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो चलिए कुछ नंबर बताने जा रही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर वन इम्पोर्टेंट है, नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्स इम्पोर्टेंट है, नंबर इलेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है, फोर्टीन इम्पोर्टेंट है, नंबर सिक्सटीन इम्पोर्टेंट है, और नंबर थर्टीन और वन रिपीटेड है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इन डेट्स को आप कहीं घूमने गए हों, या आपकी और आपकी पर्सन की कुछ ऐसी यादें हों जो आप मिस नहीं करना चाहते, या आप लोगों का बर्थडे हो सकता है जहाँ उन्होंने कभी आपको प्रपोज किया हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ गाइस 12 राशियों के कार्ड आया है, यानी कि अर्थ साइन भी आया है, एयर साइन भी आया है, फायर साइन भी आया है और
वाटर साइन भी आया है, और सबसे कम अगर कहें तो फायर साइन आया है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। कहीं ऐसा है जहाँ एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, आज की ये रीडिंग बताएगी। तो गाइस, सॉरी गाइस, बाहर शोर हो गया था, आज जादू की छड़ी तो है नहीं, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। तो चलिए देखते हैं आज आपके कार्ड ये क्या बताते हैं कि आपकी लाइफ में पास्ट या आगे न्यू। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो हो, आपकी एनर्जी आई है, आप अपने पर्सन का बहुत इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, सपोर्टिव इंसान हो, आपने अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, लेकिन आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी होप अभी भी है कि वो पर्सन आएगा। तो गाइस, जहाँ पास्ट की चीज़ों की बात किया जाए, तो आप लोगों में से कुछ लोगों का या आप लोगों सभी का ही सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है, एक इंसान जब वो आपकी ज़िंदगी में आए होंगे तो आप अलग अलग से होंगे, जब आपने पीछे उनको फॉलो करना शुरू करा तो वो थोड़ा सा आपसे आगे बढ़ गए। कुछ कुछ आपके पर्सन जो हो सकते हैं ज़्यादा दिमाग वाले और अपने दिमाग के दौड़े दौड़ाने वाले इंसान थे। आपके पर्सन जो थे छुपे रुस्तम, दिल की बातें पूरी तरह नहीं बताते, लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स करते हो तो आपके साथ सख्ती से पेश आने वाले इंसान थे। और यहाँ बात करी जाए एक्स और नेक्स्ट की, तो मैं ये भी बता दूँ कि फुल पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, वो वेल सेटल इंसान है, लेकिन जहाँ रिश्ते की बात आती है आपसे वो चुराते थे, नज़रें आगे ले जाने को कम थे, इसलिए आप लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है। तो एक्स और नेक्स्ट की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहला कार्ड लेते हैं द टावर का। गाइस, ये कार्ड जो है ये बताता है कि रिश्ते में भले ही जितने मर्जी ड्रामे हुए हैं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आई हैं, जितनी मर्जी परेशानियां आई हैं, लेकिन रिश्ता, जिसने भी आप लोगों के रिश्ते में, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी थी, जिसने भी तबाही मचाई है, पूरी मचाई है कि आप लोग दोबारा एक ना हो सको, लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि आप में से कुछ लोगों का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन रिश्ते का होना वाजिब है, क्योंकि आप लोग हो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन जो पूरी तरह फीलिंग नहीं बताते थे, अब वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो अब आपको, आपके लिए पैशनेट है, आपको मिस करते हैं, आपको ही स्टोक करते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, ये इनकी बॉटम की एनर्जी है इस टाइम, इस बंदे की या बंदी की ये कंडीशन है। अब इनको भी पास्ट की चीज़ों का ध्यान आने लगा है। जहाँ तक ये मैं बताऊँ, ये लवर का कनेक्शन है। द लवर का कनेक्शन का मतलब सोलमेट कनेक्शन है। ये कहीं ना कहीं जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो जाए, एक दूसरे से बिल्कुल कट भी जाए, कहीं ना कहीं दिल की जो तार है दूर रह के भी जुड़ी रहती है। कई बार होता है कि बिल्कुल सेपरेशन हो जाता है, कई कई साल नहीं बोलते चालते, फिर कहीं ना कहीं सामने वाले की तरफ से जितना मर्जी लगाव मिले, प्यार मिले, जो आगे लाइफ में आ जाए, लेकिन पुरानी चीज़ें नहीं भूलते, और उसकी वजह क्या है, ये सोलमेट कनेक्शन। आज ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है, आपके लिए पैशनेट भी है, सब कुछ है, तो इसका ध्यान आपकी तरफ अब दोबारा से जाता है। ये आपको अब अपनी दुनिया समझते हैं, पास्ट में भी समझते थे, लेकिन जो तबाही आपके अपने या इनकी चालाकियों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से जो ज़्यादा तबाही मची, रिश्ता आपका उससे खराब हुआ है। तो गाइस, उनको ये भी पता है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दोगे, और इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। आप एक सच्चे दिल के, साफ दिल के इंसान हो, जहां आपके पर्सन ने आपके साथ थोड़ी सी चालाकियां करी तो आपको खटपट अपने रिश्ते में लगने लगी, और आपका और उनका नेचर वहीं जाके खराब हुआ है। रिश्ता नेचर नहीं मिल, आपको लगा कि ये ज़्यादा चालाकियाँ हो रही हैं,
आपको सिर्फ रिश्ता चाहिए या आपका पर्सन, और इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आप उनका इंतजार कर रहे हो। ये नहीं, उस टाइम इतने वो नहीं थे, चीज़ें छुपाते थे, अपनी फीलिंग छुपाते थे, आपको इग्नोर भी किया होगा, लेकिन अंदर से ये जो है सॉफ्ट हार्ट इंसान है। भले ही अपने आप को जितना मर्जी अच्छा चालाक समझते हैं, जितनी मर्जी चालाकियां करते हैं, अंदर से ये सॉफ्ट इंसान है, और आज भी आपको मिस करते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं। जो आपकी पास्ट की चीज़ें दोहराई गई है, ये एक साइकिल था, ये एक कर्मा का कनेक्शन था, एक वक्त था जो डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में आना ही आना था। कई बार आप देखते होंगे जब रिश्ता अटपटा हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तो कई चीज़ें हमें सीखने को आप लोगों को मिलती होंगी। तो आपको ये कर्मा का इसीलिए आता है कि आप लोग बहुत कुछ सीखो, किसी के बगैर रहना भी सीखना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ें, जब ज़्यादा लगाव हो जाता तो एक दिन का रहना मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ें जो होती है हर एक की लाइफ में गलत होती है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी बहुत जीनी पड़ती है। तो इसलिए ये कर्मा का साइकिल आप लोगों की लाइफ में आया। आपके रिश्ते का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा होगा, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको हो सकता है प्रपोज भी करें। आप एक, मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों में से आप लोग ऐसे हो, आप सपोर्टेड इंसान हो, आपके पास सब कुछ है, सेटल इंसान हो, लेकिन अपने पर्सन को मिस करते हो, ध्यान रहता है, और इतनी चालाकियाँ उन्होंने करी है कि अब आपका दिल थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, पता नहीं आने के बाद सब कुछ सही हो रहा है या नहीं होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, और कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ में एक ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन आएंगे कि जो दुनिया, जो जिस जिनके आने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे, और एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट, एक स्पिरिचुअल इंसान आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको प्रपोज करेंगे, जो आपको प्रपोज करेंगे, और आपकी तरफ बढ़ते हुए आपको एक नई किरण खुशी की दिखाई देंगी। पुरानी चीज़ों में जहाँ आप खोए हुए हो, वहाँ आपको एक सूरज से निकलती हुई नई किरण, एक ऐसा इंसान ही हो या शी आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी सारे दुख दर्द बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप लोगों के कुछ लोग जो जिनकी लाइफ में पास्ट आने वाला है, उससे रिश्ते की भी बिगनिंग होगी ही होगी। लेकिन गाइस, कुछ लोगों की लाइफ में नेक्स्ट आने की संभावना है, मैक्सिमम लोगों की एक्स में ही आने की गुंजाइश है, क्योंकि इनका, आपका दिल उनके अंदर धड़कता है, और अब उनका दिल उनकी धड़कने आप दोनों की एक है। इसलिए दोबारा रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे, आपके कनेक्शन में आएंगे, और आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये आपको सब स्टोक भी करते हैं, आपके लिए पैशनेट भी है, और इनकी जो एनर्जी है, इनको अपना अकेलापन सिर्फ आपके साथ ही बांटना है। द लवर का कनेक्शन है, कहीं भी जाएंगे सोलमेट कनेक्शन में, इन्हें आपकी दूर रह के ये पता चल गई है कि आपका और इनका एक हार्ट टच कनेक्शन है। खाली एक प्यार नहीं है, हार्ट टच कनेक्शन है, जिसको सोलमेट कनेक्शन कहते हैं। तो गाइज, जिनके लाइफ में, ये देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, कुछ लोग ज़्यादा दुखी हैं, या कुछ लोगों का, आप लोग भी अंदर से, जो लोग अंदर से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं आगे जो होगा देख ही जाएगा, इतना भावुक नहीं हो रहे, उनके लिए ईश्वर ने एक मिराइकल करना है। कोई लाइफ में ऐसा पर्सन आपकी में आएगा, बहुत कम लोगों का चांस होता है ऐसा, कि जो आपको अपनी सारी खुशियाँ, दुख आपके लेके आपको खुशियाँ देगा, और आपको खुद प्रपोज करेगा। वो होगा आपका सोलमेट कनेक्शन। पास टाइम पास नहीं होगा, वो सोलमेट ईश्वर ने आपके लिए वो इंसान बनाया हुआ है। लेकिन जहाँ सेपरेशन की बात आती है,
जिनके लिए आप अभी भी आंसू और दर्द में जी रहे हो, दिन रात भावुक हो रहे हो, उनके लिए रिकंसिलेशन पुरानी चीज़ें फिर लौटती हुई दिख रही है। और जो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगे मूव होके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी नेक्स्ट की होप है। नेक्स्ट आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियां भरेंगे और आप अपने पास्ट को बिल्कुल वो कर दोगे कि नहीं, ये सही है। कहते हैं प्यार उससे करो जो हमसे करता है, जिससे हम करते वो आगे भागता है, वो क्या है? उसके साथ लाइफ जो है खटपट है। तो आपकी कंडीशन में कुछ ऐसा ही है, तो वो पर्सन जो है आपकी लाइफ में आके खुशियाँ भरेगा। हम आज कार्ड निकालेंगे कई तरीके से। गाइस, जो पास्ट के पर्सन हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। कब करेंगे वो रिकंसिलेशन? सॉरी गाइस, बॉटम जो है बीच में मिक्स हो गया। चलिए, आएगा तो निकाल देंगे, इतना गलती से हो गया। कब आपके साथ रिकंसिलेशन करते हुए दिख रहे हैं? लीजिए, नेक्स्ट ईयर गाइस आपकी बात बनती हुई दिख रही है। रिकंसिलेशन का कार्ड आया है। अभी थोड़े कंफ्यूज है और सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ नेक्स्ट ईयर बढ़ते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें जब आएंगे पूरी तरह सेट करके आपकी तरफ, अब ये मन बना रहे हैं कनेक्शन जोड़ने का, कम्युनिकेट करने का, तो ये आपकी तरफ नेक्स्ट ईयर आते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं जिनकी लाइफ में मैजिशियन का कार्ड आया, एक मिराकल होने वाला है। और ने जो इंसान, जो जिनमें से मेरे कुछ व्यूअर ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नेक्स्ट आने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कब आएंगे, ऐसा कौन सा नेक्स्ट, कितना महीना। इनका भी गाइस 7 हफ्ते या 7 महीने तक ये पर्सन की आपको थोड़ी सी कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, हो सकता है वह है कि आपके लिए चाहे मराइकल हो, पहले वो कहीं से चोट खाया इंसान हो और अब आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए डिवाइन से पूछते हैं कि आपको लोगों के लिए क्या एडवाइस है, जिससे आप लोग खुश रहें और आपकी लाइफ जो है सही चले। डिवाइन बताइए, मेरे व्यूअर जो इतनी सैड एनर्जी में है, अपने पर्सन के लिए परेशान है, उनके लिए क्या एडवाइस है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे। जी हाँ गाइस, आपके लिए निकल के आया है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये डिवाइन कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपके पास है, लेकिन आपके पर्सन भी आपके पास है। रिश्ता कुछ ज़्यादा ख़राब होने की वजह से आप लोग होप छोड़ बैठे हो। चीज़ सब कुछ पास है और आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह है आपकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आपको अपनी रिमूव करनी होगी, तो आपका तभी किसी चीज़ में आगे बढ़ता हुआ इंसान की खुशियाँ, आप लोगों की खुशियाँ आएंगी। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स उनके ऊपर है, लेकिन ये पर्सन अपने ही दुखों में खोए हुए हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी अपने अंदर से निकालिए, आपके अंदर एक होप, पॉजिटिव होप आएगी,
और पॉजिटिव होप से वो सारी चीज़ें सही होंगी। जिसने भी आपका रिश्ता ख़राब किया था उसने कर दिया, इमोशनली डिटैच भी किया, लेकिन आपके पास चीज़ें तभी आएंगी, आपको अपनी नेगेटिविटी रिमूव करनी होगी अपने अंदर। वो कैसे रिमूव होगी नेगेटिविटी, आपको पता है, मेडिटेशन करना होगा, उससे नेगेटिविटी रिमूव होगी। अपने आप को बिजी रखें, जब ज़्यादा मन दुखी होता है अपने आप को बिजी रखें, ईश्वर का नाम लें, तो अपने आप ये चीज़ें चली जाएंगी। आपके पास सब कुछ है लेकिन कमी है तो सिर्फ़ एक पॉजिटिविटी की, अपने आप को पॉजिटिविटी में डालिए। एक्सो जो नेक्स्ट चाहिए सबको पॉजिटिव, इतनी रोते धोते की एनर्जी में कोई हाथ नहीं थामता, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग, जिस रीडिंग का टॉपिक था कि आपकी लाइफ में एक्स आएंगे या नेक्स्ट। तो गाइस ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के तो एक्स में है, कुछ लोग जो आगे हिम्मत बना के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट भी है, और वो जो नेक्स्ट आएंगे उनके लिए खुशियां लेके आएंगे। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।